पूर्वशी राठौर कक्षा 12। कल्याण सिंह जी सर, आपका विद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं उर्वशी राठौर देश प्रेम राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर डोले के डोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65-71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, वाले बाप की कमाई गई, भाई की बढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और इसे पत्र लिख कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेंगे चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है, पढ़ेंगे चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश वतन पर मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश वतन पर मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की दीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति। अपने समाज, अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति।